गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सिक्स में इंग्लिश फर्स्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 4, टॉम अ मिस्चीफ बॉय। टॉम एक शरारती लड़का, और इस पार्ट का अर्थ भी सबको लिखना है। क्वेश्चन आंसर और मीनिंग ऑलरेडी हमने लिखवा दिए हैं। और यंग मिस्चीफ बॉय नेम्ड टॉम सॉयर लिव विद हिज आंट पोली। एक छोटा लड़का, एक छोटा शरारती लड़का जिसका नाम टॉम सॉयर है, अपनी मौसी आंट मौसी पोली के साथ में रहता है। ही इज द सन ऑफ हर डेड सिस्टर। वह उसकी मृत बहन का लड़का है। लेट अस नो अबाउट द मिस्चीफ ऑफ द बॉय। आओ हम लड़के की शैतानियों को जाने। करेक्टर टॉम सॉयर अ यंग मिस्चीफ बॉय, एक छोटा शैतान लड़का। आंट पोली टॉम्स आंट, आंट पोली मौसी पोली। बेन टॉम्स फ्रेंड, टॉम के मित्र। बिली टॉम्स फ्रेंड। जॉनी टॉम्स फ्रेंड, ये सभी इसके तीन मित्र हैं और मौसी हैं, और एक शैतान लड़का टॉम सॉयर। इस तरीके से इस लेसन में 5 लोगों का ही वर्णन किया गया। फर्स्ट सीन, प्रथम दृश्य, आंट पोली इज कॉलिंग टॉम लाउडली। मौसी पोली टॉम को तेजी से बुला रही है। आंट पोली टॉम टॉम सी गेट्स नो आंसर। टॉम टॉम बुलाती हैं, उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता। थिंकिंग वेयर कैन ही बी, सोचती हैं वह कहाँ हो सकता है। शाउटिंग अगेन, पुनः चिल्लाती हैं। टॉम 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 अगेन सी गेट्स नो आंसर, पुनः उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता। टॉम इज स्टैंडिंग नियर द कपबोर्ड। टॉम अलमारी के पास में खड़ा हुआ है। आंट पोली एंगर्डी, मौसी पोली क्रोधित होते हुए, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वेयर इज माय स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। रेजिंग हर स्टिक एंड अबाउट टू स्ट्राइक टॉम, अपनी छड़ी उठाती हैं और वह टॉम पर प्रहार करने वाली होती हैं। टॉम लुक बिहाइंड यू आंटी, मौसी पीछे देखो। आंट पोली लुक्स बिहाइंड एंड टॉम रशेस आउट ऑफ द हाउस। मौसी पीछे देखती है और टॉम घर से बाहर चला जाता है। आंट पोली लाफिंग, मौसी पोली हंसते हुए, ही इज ए बैड बॉय, वह एक खराब लड़का है। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसे प्यार करती हूँ। ही इज माई डेड सिस्टर सन, वह मेरी मृत बहन का लड़का है। आई मस्ट लुक आफ्टर हिम केयरफुली, हमें उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। आई शैल मेक हिम वर्क ऑन हॉलीडे, हम उसे छुट्टी में काम करवाएंगे। सेकेंड सीन, नेक्स्ट डे इज संडे, अगले दिन रविवार था। द स्कूल इज क्लोज, स्कूल बंद थे। ऑल द बॉयज इन द विलेज आर फ्री, गांव के सभी लड़के स्वतंत्र थे। टॉम लाइंग ऑन द बेड, टॉम बिस्तर पर लेटे हुए। व्हाट इज ए लवली डे, कैसा प्यारा दिन है। द सन इज शाइनिंग एंड बर्ड्स आर सिंगिंग, सूरज चमक रहा है और चिड़ियाँ गा रही हैं। आई थिंक आई शैल गो फॉर स्विमिंग, मैं सोचता हूँ मैं तैरने जाऊँगा। टुडे इज संडे एंड आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल, आज रविवार है और हमें स्कूल नहीं जाना है। आंट पोली गेट अप टॉम, आई हैव सम वर्क फॉर यू। मौसी पोली टॉम उठ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। टॉम ओ डिड यू कॉल मी आंट, मौसी क्या आपने मुझे बुलाया। व्हाट डू यू वांट मी टू डू, आप मुझसे कौन सा काम करवाना चाहती हैं। आंट पोली आई वांट यू टू व्हाइट वॉश द फेंस, मैं चार दीवारी की सफ़ेदी करवाना चाहती हूँ। हियर इज ए बकेट ऑफ वाइट वॉश एंड अ ब्रश, एक बाल्टी चूना या सफ़ेदी है और ब्रश है, एक ब्रश है। यू हैव द होल डे टू वाइट वॉश द फेंस वेल, तुम्हें पूरे दिन चार दीवारी की सफाई करनी है। सी गोज इन साइड द हाउस, वह घर के अंदर जाती हैं। टॉम गेट्स अप एंड गोज आउट सैडली, टॉम उठता है और दुखी हो जाता है। और थर्ड सीन कल हम पढ़ाएंगे।
और इस पार्ट के इतना सभी लोग अपनी रफ कॉपी पर और सभी लिखेंगे। थैंक यू।